लाइक कारफू का सिचुएशन है। जैसे 10 साल पहले कश्मीर था, अभी बांग्लादेश अफगानिस्तान की हालत जैसी है। पुलिस का कोई रोल भी नहीं, आंसू गैस भी नहीं छोड़ा, लाठीचार्ज भी नहीं किया, मनोज वर्मा को भेजी ममता जी, और क्लियर इंस्ट्रक्शन तुम खामोश रहो, गुंडा के ऊपर लाठी मत चलाओ, मेरा वोट सब चला गया सागर दुगी में, ये वोट को मुझे वापस लाना पड़ेगा, इसलिए मत मारो, वो लोग को मारने दो। रैली का सही तरीके से इजाजत था, कल जब टीएमसी का प्रवक्ता ने बताया जो रैली का आप क्यों रामनवमी का रैली का दशमी था, क्यों रामनवमी का रैली हो रहा है, मैं ट्वीट करके जो परमिशन लेटर वो सार्वजनिक रूप से ला दिया। आपको मालूम है ये सीधा सीधा गलत बात झूठा बात बोल रहा है, ये तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है। हावड़ा में दो दिन तक इतना हादसा हुआ, इतना डैमेज किया, इतना पीटपाट किया, लोग को इंजर किया, अभी भी पंचशील अपार्टमेंट से लेकर कुछ अपार्टमेंट में हुआ, लाइक कारफू का सिचुएशन है, हाई राइज से फ्लैट से लोग उतारने का मौका भी नहीं है और घुसने भी नहीं दे रहा है। वहाँ पुलिस ने दो दिन तक साइलेंस था, ये लोग वहाँ सिद्धिनाथ गुप्ता को भेजा और उनको मनोज वर्मा को भेजी ममता जी, और क्लियर इंस्ट्रक्शन तुम खामोश रहो, गुंडा के ऊपर लाठी मत चलाओ, मेरा वोट सब चला गया सागर दुगी में, ये वोट को मुझे वापस लाना पड़ेगा, इसलिए मत मारो, वो लोग को मारने दो। ममता जी ने खुद अगले दिन हावड़ा का जो हादसा के बाद उन्होंने बताई जो बीफिटिंग रिप्लाई होगा, बीफिटिंग रिप्लाई नेक्स्ट डे फ्राइडे हुआ है। ये रिश्ता में भी जब ये कार्रवाई हुआ था पुलिस पूरा सफिशियंट नंबर ऑफ पुलिस था, लेकिन पुलिस का कोई रोल भी नहीं था, आंसू गैस भी नहीं छोड़ा, लाठीचार्ज भी नहीं किया, जान माल को रक्षा करने के लिए कुछ काम भी नहीं किया, आज जो तोड़फोड़ किया पत्थरबाजी किया उसको छोड़ दिया, और 12 रामनवमी का कार्यकर्ता जो हिंदू संगठन से सनातन संगठन से जुड़ा हुआ है उसको हिरासत में लिया। बंगाल की हालत ऐसी हो गई है कि वह हिंदू समाज अपना घर में ही रहे, त्यौहार घर में ही मनाए, बाहर ना निकले। जैसे 10 साल पहले कश्मीर था, अभी बांग्लादेश अफगानिस्तान की हालत जैसी है, बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, निकलेगा तो उसके ऊपर पथराव होगा, आक्रमण होगा, महिलाओं पर अत्याचार होगा, और जो सरकार है कानून व्यवस्था संभालने की उनकी क्षमता नहीं है, धीरे धीरे रसातल में जा रहा है बंगाल। आर्थिक जैसे कि भ्रष्टाचार हो रही है, उसी प्रकार प्रशासनिक भी सारा डामाडोल चल रहा है, और खुद संभाले न जा रहे तो दूसरे ऊपर इशारा थोप रहे हैं। माननीय गृहमंत्री जी ने कल बिहार में बोला है जो दंगा कर रहा है उसको उल्टा टांग के सीधा किया जाए, एकदम होगा।